here at the site where it all took place. We have some people here with us who are more familiar with the area. I have Mohammed Masi here with me. He also runs a workshop right next to the workshop where this fire incident took place. Sir, aap bataye aapki jo workshop hai wo kitni duri par hai jis workshop mein aag lagi usse aur क्या काम करते हैं? मेरी फैक्ट्री है लेदर कॉर्पोरेट का, जो है ना डायरीज वगैरह ऑर्गेनाइजर फोल्डर्स वगैरह का काम है हमारा, जो कि उन भाई रिहान की बिल्डिंग जहां आग लगी है उसके बिल्कुल जस्ट बराबर में ही है हमारा। तो तकरीबन ये आग जो है ना 4:35 के आसपास में लगी है। और ये एरिया जो आप बता रहे हैं दो भाई ओन करते हैं जिस बिल्डिंग में आग लगी? नहीं, ये बिल्डिंग दो भाइयों के नाम है, ये जो मकान मालिक है ये इमरान भाई और रिहान भाई, जो बड़े भाई जो है वो रिहान भाई है जी। और बिल्डिंग में क्या क्या काम होता था? किस ऐसे कई तरह के काम होते हैं उसके अंदर, जैसे कि बैग्स डायरीज के भी काम हैं और खिलौना पिचकारी होली वगैरह के, जो कई तरह के काम है इसके अंदर जी। और तकरीबन कितना लेबरर और कितने लेबरर अंदर तकरीबन काम करते हैं, कितने रहे होंगे अंदर उस बिल्डिंग में? उस जगह तकरीबन जो है ना 650 गज की जगह है वो, तो आप सेकेंड फ्लोर पे आग लगी है और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, चार फ्लोर की बिल्डिंग है। हाँ, सेकंड फ्लोर पे आग लगी है, सेकंड थर्ड फोर्थ इन चारों में तकरीबन जो ना 700-800 बंदे रहे होंगे, इतने लेबर जरूर होगा उसके अंदर। और ये सब लेबरर्स यूपी बिहार से आते हैं? हाँ, यही सोते भी हैं? हाँ, यूपी बिहार से वही काम करके वही जो है ना ड्यूटी खत्म होने के बाद वही सो जाते हैं वो बिल्कुल। तो कुछ आपको आइडिया है कि यहाँ पर जब सुबह आग लगी तो कुछ भागे बाहर, कुछ को एग्जिट करने का मौका मिला? जो है ना चिमनी मिल की साइड जो है ना कुछ लोग भागे वहाँ और कुछ छत से भी निकले, और जो फर्स्ट और ग्राउंड में जो थे वो तो निकल ही गए तकरीबन, और बाकी तो फिर उस टाइम से फिर उसके बाद मैं तकरीबन सुबह 7 बजे आया हूँ मैं। अच्छा, जब मेरे कारीगर ने मुझे फोन किया तो तब मैं आया हूँ मैं यहाँ। कैसे ये चीजें रुकेंगी? तो अक्सर हमेशा ये बात आती है कि लीगल परमिट था या नहीं इस तरह के कारखाने सेटअप करने के, तो यहाँ पे लीगल परमिट होता है? जी नहीं मैडम, ऐसा किसी के पास ऐसा है नहीं बिल्कुल। कभी कोई किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली पुलिस, कभी कोई आती है इंस्पेक्शन करने, पूछती है कि आप लोग कैसे यहाँ पे चला रहे हैं? फायर मशीन लेकर लगा के गई है कई फैक्ट्रियों के अंदर जो है ना, जैसे कि हमने भी लगवा रखी है अपने फैक्ट्री के अंदर। और जहाँ पे घटना हुई है, जहाँ पे आग लगी है, वहाँ पर थे इस तरह के फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट थे वहाँ पर? भाई रिहान के ग्राउंड फ्लोर पे मैंने देखा है जी, उनके नीचे लगा हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ है लगा हुआ था, ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है उनके। We are currently on the Rani Jhansi Road where there has been a factory fire in which more than 40 people have lost their lives. The fire started on around the second and the third floors, and there were several laborers that were sleeping inside the workshops where bag manufacturing and printing paper workshops were situated, and the fire was started somewhere around 4 or 4:30 a.m. and most laborers were sleeping when the fire engulfed the entire floors. और ये जो मजदूर हैं ये वही काम करते थे और अंदर ही सो जाते थे? बिहार और यूपी के रहने वाले हैं सारे। हाँ। जितने मजदूर काम करने वाले सब ये बिहार और यूपी से आए हुए हैं, ये काम करने मजदूरी करते हैं, किराए पे मकान लेके करते हैं और वही काम करते हैं। हाँ, वही सोते हैं रात में, वही सोते हैं रात में। अच्छा, तो ये लीगल परमिट वगैरह है ये सब अंदर जितनी फैक्ट्रियां हैं उनके पास? परमिट नहीं है, बहुत टाइम से अनलीगल है मगर इसको चला रहे हैं सब लोग, चला रहे हैं। और कोई फायर इक्विपमेंट वगैरह अंदर रहता है जो फायर एक्सटिंग्विशर के कैन होते हैं और वो सब? ये कुछ भी नहीं अंदर है, किसी के पास है? दोनों के पास। एक तो आप कुछ कह रहे थे बड़ी मशीन है जिनके पास है, आप उनके पास है? उनके पास है। हाँ, उन लोगों के पास, उन लोगों के पास है, बाकी सब ऐसे चल गया। छोटा सिलेंडर तो रहते रखते हैं और जो अब निकल नहीं पाए, रास्ता नहीं है ना, निकल नहीं पाए ना, वो दम घुटने से हो गया, वो दम घुटने से उसका हो गया। हाँ, और ये जो है ये सब यहाँ पे फायर स्टेशन जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, तो दमकल की गाड़ियाँ तो जल्दी आ गई होंगी, पर अंदर जाने में कितनी तकलीफ हुई? अंदर जाने में बहुत दूर है, कम से कम अंदर जाने का आने जाने का एक ही रास्ता है, गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, अंदर एक ही गाड़ी जा सकती है, बस पाइप से पानी लेके गए सारे के सारे। हाँ, मदद करिए उधर से, ऐसी बात नहीं। पर गाड़ियाँ अंदर घुस, गाड़ियाँ नहीं, 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 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं घुस सकती, छोटी गाड़ियाँ गई हैं, कैसे जाएंगी बड़ी गाड़ियाँ यार? डंपर कौन है? बस इससे थोड़ा सा आगे तक, लास्ट तक नहीं जा पाई है, थोड़ा पीछे रह गई है गाड़ियाँ।